Hello students, in this video we again having data handling. We will discuss how to make histogram and how to read the histogram. So histogram क्या होता है, कैसे इसको read करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, what are the properties of histogram. So first of all, in histogram we have to use continuous class interval. जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस तरह की क्लास इंटरवल लेंगे और उसको कहां पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे. फर्स्ट रूल ये ध्यान रखना है. सेकंड नंबर, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किस पे आएगी, वाई एक्सिस पे आएगी. क्लियर. नाउ थर्ड पार्ट इज नो गैप्स बिटवीन टू बार्स. नो गैप्स बिटवीन टू बार्स. तो यहां जैसे बार ग्राफ में होता था कि दो बार्स के बीच में आपको गैप्स अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी गैप नहीं होगा. दूसरी बात, इसमें सारे बार्स की शेडिंग करना मस्ट है. आपके शेडेड होंगे सारे की सारे बार्स. आपको ध्यान रखना होगा कि हमने जो भी बार्स बनाए उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा. वहां पे एक एक का गैप लेके चलते थे, यहाँ पे एक भी नहीं आएगा. एक नई चीज और इसमें होती है कि अगर हमारा जो क्लास इंटरवल है, जैसे यहाँ पे 25 से स्टार्ट हुआ है, तो 25 से पहले के लिए हम क्या करते हैं, किंक बनाते हैं. इसको किंक कहते हैं, ये जो बना हुआ है दैट इज द किंक. किंक बनाते हैं जो बीच के नंबर्स को हटा दे, जरूरत नहीं होती है उनको अननेसेसरी बनाने की. तो हमने 0 से 25 तक के नंबर्स जो है उनका कोई हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमने उनको रिमूव करके ऐसे किंक बना दिया. तो ये चीजें हमें हिस्टोग्राम में हमेशा ध्यान रखनी होगी. इक्वल विड्थ के रेक्टेंगल लेते हैं जैसे बार ग्राफ में होता था, वैसे ही यहाँ पे करेंगे, लेकिन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल होगा, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे होगी. किंग का ध्यान रखेंगे, अगर हमें जरूरत है तो हम किंग लेंगे और नहीं तो नहीं लेंगे. नाउ लेट्स आई हैव टू टेक वन क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टडी ऑफ हिस्टोग्राम. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो द हिस्टोग्राम. व्हाट इंफॉर्मेशन गिवन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो ये जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है इसमें किस क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. हिस्टोग्राम ये क्या है, हिस्टोग्राम शो इंफॉर्मेशन ऑफ, किसकी इंफॉर्मेशन है, टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स और एज से रिलेटेड है. एजेज ऑफ टीचर्स, टीचर्स की इंफॉर्मेशन इसमें शेयर करी हुई है उनकी एजेस के रिलेटेड. नाउ सेकंड पार्ट है इसमें, बी वाला पार्ट जो हमने लेके चलेंगे, हाउ मेनी टीचर्स बीइंग ऑफ द एज ग्रुप 35 to 40. तो 35 से 40 वाले एज ग्रुप का ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है. तो बी का आंसर आएगा 12 टीचर्स. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट इज हाउ मेनी टीचर्स बिलोंग द टू ओल्डेस्ट एज ग्रुप. सबसे ज्यादा एज ग्रुप्स के कितने टीचर्स हैं इसमें. तो सबसे ज्यादा एज ग्रुप इसमें 50 से 55 वाला ही है और उसके टीचर्स मुझे यहाँ से दिख रहे हैं तो कितने दिख रहे हैं, 4. तो हम सी का आंसर लिखेंगे 4 टीचर्स आर ओल्डेस्ट एज ग्रुप. तो इस तरह से हम स्टडी करके इसका आंसर दे सकते हैं. नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीचर्स आर बिलो 35 ईयर. 35 ईयर से बिलो कितने टीचर्स हैं. देखो इसमें 8 टीचर्स आ रहे हैं, यहाँ कितने आ रहे हैं, 6. तो डी का जो आंसर आएगा 8 + 6 = 14 टीचर्स आर बिलो 35 ईयर्स. तो आपको बहुत स्टडी करना आसान है. जैसे मैंने इसके 4 पार्ट्स को स्टडी करा, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है
टीचर्स की एज की इंफॉर्मेशन गिवी हुई है, नंबर ऑफ टीचर्स के साथ में भी आपको पूछा हुआ था सेकंड पार्ट में कि कितने टीचर्स ऐसे हैं जिनकी एज 35 से 40 है, तो हम उस पर्टिकुलर हिस्टोग्राम के बार को देखेंगे और निकाल लेंगे। सो नाउ हाउ टू ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर गिवन डाटा। सो ये एक हमें एक डाटा गिवन हुआ है, मार्क्स गिवन है 0 टू 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 से 10 मार्क्स वाले 10 है, 15 है, ये 20 और ये 35 और ये 20 है। तो टोटल 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें किसी क्लास के दिए हुए हैं। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द एक्सेस। एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल होती है और वाई एक्सेस वर्टिकल होती है। एक्स एक्सेस पे हमें क्या लेना होगा, पहले हम स्केल डिसाइड करते हैं। स्केल के लिए एक्स एक्सेस पे मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स, ठीक है, और वाई एक्सेस पे मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मार्क्स, 5 स्टूडेंट्स, मार्क्स नहीं है ये, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्सेस डिसाइड कर लिया, अब मार्किंग कर देते हैं। अब जैसे कि 0 से स्टार्ट है तो किंग बनाने की जरूरत नहीं है इस वाले में, वी हैव टू डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम। तो सबसे पहला नंबर 0 से 10 आएगा, तो यहाँ 10 मार्क कर देंगे, फिर 20 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 30, इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं। ग्राफ में 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे आप सब, ग्राफ पेपर पे ही बनाना है इसको, और स्केल वगैरह अच्छे से यूज लेके करना है। सो 0 से 10 और ये तो क्या हो गए अपने पास, मार्क्स हो गए, ये एक्स एक्सिस पे हो गया। अब यहाँ पे क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसीज लेते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, तो यहाँ मैं पहले ही लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और ये कैसे है, ये हमारे पास हाईएस्ट 35 तक जा रहा है, तो हम 5-5 का गैप ले लेते हैं, 5, 10, 15, ये हो जाएगा 20, 25, 30 और ये आ जाएगा 35, ठीक है। अब आपकी मार्किंग हो गई, सबसे पहली बार कंटिन्यूअस इंटरवल चेक करना होता है। कंटिन्यूअस इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, यानी 10 पे खत्म हुआ है तो वहाँ 10 पे चालू हुआ है, 20 से 30 जैसा कि हमने ग्रुप डाटा बनाया था। और एक बात बच्चे ध्यान रखना सारे कि ग्रुप डाटा के लिए ही हिस्टोग्राम बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। अपन बार ग्राफ तो ग्रुप डाटा का भी बना लेते हैं, लेकिन ग्रुप डाटा के लिए हिस्टोग्राम बनता है। स्केल हमने मार्क कर ही दिया, अब हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। 0 से 10 वाले कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास में, 0 से 10 वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्केल यूज लेके हम कर सकते हैं इसको इस तरह से, सीधा बार बनाना बिल्कुल इस तरह से सीधा। तो 0 से 10 की मार्किंग कर दी मैंने, 10 से 20 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 15 इसी बार में, देखो गैप नहीं दिया मैंने, और 0 से 20 का ये बनेगा और ये इसको ज्वाइन कर देंगे हम, तो ये 0 से 20 का बन गया, कितने बच्चे हैं 15। अब 10 से 20 के बाद में 20 से 30 में हमारे पास में कितने बच्चे हैं 20, तो हम क्या करेंगे इसको 20 तक ले जाएंगे इसी को ही, और यहाँ से भी हम इस तरह से 20 तक का बना लेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 20 से 30 के बाद 30 से 40 वाले कितने बच्चे हमारे पास, 35 है, और 35 कहाँ तक ज्वाइन करेगा ये, और 35 के बाद ये 40 वाला, ये वाला मिल जाएगा, और
लास्ट वाला 40 से 50 वाला हमारे पास कितने हैं 20, तो अगेन वी हैव इन दिस फॉर्म और ये बना देंगे हम 20 तक। तो ये हमारा एक हिस्टोग्राम बन जाता है इस तरह से मार्किंग करके। और अगर कुछ बच्चे ऊपर लिखना चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये 10 है, ये वाला 15 है, 20 है ये, और 35, और ये कितना अगेन 20 है। अब सबसे खास बात ध्यान रखनी है जो लास्ट में, कि पूरा हिस्टोग्राम शेडिंग करना बहुत जरूरी है। अब मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ, आप चाहो तो उसको कंप्लीट शेड कर सकते हो कोई भी कलर से, इस पेंसिल से कर सकते हो, लेकिन आपको ये पूरा एक ही बनाना है इस तरह से शेडिंग करके। अभी भी ध्यान रखना है इसको बिना शेडिंग के नहीं छोड़ना चाहिए। सो अब आ जाती है, एक बार रिव्यू लेते हैं थोड़ा सा, क्या करोगे, पहले कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होनी चाहिए, ये आपका यहाँ आएगा, इसको क्या कहते हैं क्लास इंटरवल कहते हैं, CI होता है ये आप क्या वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, ठीक है। और अब हाइट ऑफ द किसको लेना है, रेक्टेंगुलर बार, रेक्टेंगुलर बार बार ग्राफ में भी होते हैं हिस्टोग्राम में भी होते हैं। रेक्टेंगुलर बार्स की हाइट लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है तो यहाँ 10 तक जाएंगे, फिर बिल्कुल बिना गैप दिए हुए नेक्स्ट वाले की हाइट कितनी है 15 वहां तक जाएंगे, नेक्स्ट की 20 है, 35 और 20, इस तरह से इनको ज्वाइन करके हिस्टोग्राम बना सकते हैं और एक परफेक्ट हिस्टोग्राम बनेगा। स्टडी करना मैंने पहले वाले पार्ट में सिखाया ही था आपको, तो यू कैन स्टडी ऑल्सो।